गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि कोजागिरी पूर्णिमा आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे मैं कल मंदिर से आई और आज सेकेंड डे है कोजागिरी के बाद वाला, और मैं ब्लॉग बना रही हूँ, काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। दोस्तों, घर सारा चीज़ें मैस पड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं एस्कॉन से जब से मैं जुड़ी हुई हूँ ना, मेरे लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को जब लेकर के आते हैं, जब भगवान से आप जुड़ते हैं, जब वैसे भक्तों के साथ आप रहते हैं ना दोस्तों, तो सच में मन बहुत शांत रहता है। मेरा मन काफ़ी दिनों से बहुत अशांत था, क्योंकि घर की कुछ चीज़ें ऐसी थी, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी पूरा डिटेल में जो भी है। और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा लाइफ में कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें, तब हम कहाँ जाएं। ऐसे लगता है ना कि हम किससे अपने दुख और किससे अपने दिल की बात शेयर करें जो हमें सुन सके। तो भगवान हर जगह होते हैं, वो सुनते हैं हमें, बस वो हमारे साथ साथ हमारे जो भक्त लोग जो होते हैं उनके बीच में वो वास करते हैं, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब से मैं आई हूँ, मैं जगन्नाथपुरी भी गई थी, वहाँ पे रथ यात्रा भी किया है मैंने, उसकी वीडियो भी मेरी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि मेरा मोबाइल है ना, एक्चुअली वहाँ पे जब मैं समुद्र स्नान करी थी तो मोबाइल मेरी गिर गई, ख़राब हो गई थी, तो मैंने दूसरी मोबाइल ली है यहाँ पर, और सारी की सारी जो वीडियोज़ है वो उस दूसरी मोबाइल पर है। तो मैं बहुत ही जल्दी ट्राई करूँगी कि मेरा वो मोबाइल बन जाए, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ में वो वीडियो ब्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो आप मुझे देख रहे हो, मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों का जो कमरा है मैस है, सुबह सुबह बहुत काम रहता है, मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाती हूँ मैं, और फिर उसके बाद टिफ़िन एंड ऑल सारी चीज़ें बना करके बच्चे अपने यू नो स्कूल चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो भी उनका बेड वगैरह रहता है उसे क्लीन करती हूँ, उसके बाद स्नान एंड ऑल सारी चीज़ें, पूजा वगैरह करना, वो सारी चीज़ें जो रह जाती हैं वो धीरे धीरे मैं अपना साइड बाई साइड करते रहती हूँ, और आप लोगों के साथ में अपनी ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। और आने वाले वक्त में भी आप लोगों के साथ में इस तरह से अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेरे चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। अभी तो फ़िलहाल देख सकते हो बच्चे चले गए, तो मैंने उनके स्टडी रूम की साफ़ सफाई कर दी है अच्छे से, और भगवान जी की मंदिर भी हमने यहाँ पे प्लेस की है, क्योंकि हमारे घर का जो मेन ईशान कोण है वो यहाँ स्टडी रूम में आता है बच्चों के, तो यहाँ पर हमने मंदिर को रखा हुआ है। सारी चीज़ें मैंने कर ली है, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों का अभी एक वार्डरोब यहाँ पर बनना बाकी है, जैसे ही यहाँ पर वार्डरोब बन जाएगा सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित हो जाएंगी। और बाकी मेरे बच्चे ज़्यादा करके यही रूम यूज़ करते हैं, अभी तो स्कूल गए हैं, मैंने सारी चीज़ें उनकी कर दी हैं। और चलिए फिर मैं अभी भगवान जी की जो पूजा करनी है, अर्चना करनी है, वो करूँगी। शरद पूर्णिमा था तो मैंने खीर बनाया था इस तरह से, और खीर को यहाँ पर हम खाएंगे आज। और सुबह मैंने देखिए बच्चों के लिए फटाफट गर्मा गर्म आलू की सब्जी बनाई, और उनके लिए मैंने पूड़ियाँ बनाई थी सुबह सुबह 6 बजे उठकर, तो ये काम मेरा हो चुका है। दूध भी मैंने गर्म कर लिया है, थोड़े से बर्तन जो है वो मैं इसे क्लीन करूँगी। और आज के दिन बहुत अच्छा होता है यू नो, मीठा चीज़ बना करके सेवन करना। और आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है महुआ जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये मेरी मम्मी ने मंगवाई है, तो मेरे पापा जब गांव जाते हैं तो ये महुआ लेकर के आते हैं, और मैं इसे खाती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों खाते हैं। इसके अंदर देखिए ये जीरा जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा
ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है महुआ। इस जीरा को हमको यहाँ से रिमूव करना होता है, ये जो कचरा होता है ना, जैसे जीरा बोलते हैं इसे हम अपने लैंग्वेज में, आप क्या कहते हैं ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये महुआ के साथ में मैंने कुछ किशमिश भिगो करके रखे हुए हैं, तो इसे मैं करूँगी। और मैंने दीप दान करने के लिए घी लिया है, जो कि आप सभी जानते हैं कार्तिक मास चालू हो चुका है, तो हमें पूजा पाठ करना और घी का दीपक हमें तुलसी जी को लगाना बहुत ज़रूरी है। सो मेरा ये काम अभी सिर्फ बात ये करना बाकी है। बाकी यहाँ पे भी अभी पूरा फैलाव है, जैसे आप मेरी डाइनिंग टेबल देख सकते हैं, मेरे जगन्नाथ भगवान देखिए, जैसे माला वगैरह करते हैं मेरे बच्चे जब करते हैं तो यहीं पर रख देते हैं। और ये मंदिर जो हमारा पुराना मंदिर है, इसे भी अभी यहाँ से हटाने वाले हैं। और ये मेरा यूट्यूब का बटन आप जैसे ही देख सकते हैं। सो आप लोगों की इच्छा से बहुत ही अच्छी तरह से मेरी ब्लॉग चैनल पर भी यूट्यूब की बटन दिलवा दीजिए। और कल मैंने जो यहाँ पर देखिए तुलसी जी यहाँ पर तुलसी जी लगाई, तुलसी जी को दीपक लगाती हूँ मैं, और कार्तिक मास में करना बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत ही अच्छा पुण्य मिलता है। और मैंने और भी तुलसी प्लेस किया है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो एक तुलसी मैंने यहाँ पे अपने किचन के यहाँ पर रखा हुआ है इस तरह से। अभी मुझे इसको हैंग करने के लिए ना प्रॉपर यहाँ ऊपर बोलना पड़ेगा किसी से कि यहाँ पे एक हैंग कर दो, ताकि मैं तुलसी जी को अच्छी तरह से यहाँ पे प्रॉपर प्लेस कर दूँ, ठीक है। और एक और तुलसी मैंने लगाई है अभी यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ जो ये ईशान्य कोण है यहाँ पर तुलसी जी लगाई है, तो ये राम तुलसी है, मुझे कृष्ण तुलसी भी लाना है और उनको भी प्लेस करना है। तो ये एक तुलसी मैंने यहाँ पर रखी हुई है, नीचे एक मैंने पॉट रखा हुआ है बुद्धा का, और उसके अंदर भी मैं कुछ अच्छा सा सोच रही हूँ प्लेस करने के लिए, कोई मतलब अच्छी किसी पेड़ लेकर के आऊँगी और लगाऊँगी। और आप मुझे यहाँ देख सकते हो अभी तो मेरा बहुत सारा चीज़ें फैला हुआ है, बच्चे जब भी जाते हैं तो कपड़े उपड़े ऐसे यहाँ वहाँ निकाल देते हैं, तो कपड़े धोना अभी मुझे बाकी हैं, ठीक है। और मेरी मेकअप की कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं रखती हूँ, बड़ी से मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। और दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, वैसे तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी इतने दिन से, क्योंकि रीज़न बहुत सारे थे, घर में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम कर नहीं पाते हैं। और हमारा जो बच्चा, छोटा सा बच्चा हमारा लकी, अब उसकी तबीयत में बहुत अच्छा सा सुधार आ रहा है और वो ठीक हो रहा है, तो उसे ठीक होता हुआ देख करके हम भी ठीक हो रहे हैं। ऐसा सच बात होती है ना यार, माँ अपने बच्चों को इतना प्रेम करती है। जैसे देखिए अब ये जो कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर अष्टमी, अगर आप देखें तो यशोदा माता ने भी भगवान श्री कृष्ण से कितना कितना वो प्रेम करती थी अपने कन्हैया से। जो इस तरह से, जब आप लोगों को ये कहानी अगर पता होगी, जैसे ओखली में उन्होंने उनको बांधने की कोशिश की थी, तो वो कृष्ण भगवान जो पूरे जगत के नाथ हैं वो कैसे बंध थे, लेकिन यशोदा मैया ने उनके साथ में कितना मतलब लीला, मतलब इसका वर्णन अगर आप सुनेंगे ना दोस्तों, में अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसका वर्णन भी आप लोगों को बताऊंगी कि यशोदा मैया कितना प्रेम से कन्हैया के पीछे दौड़ते दौड़ते उन्हें ओखली में बांधने के प्रयास करती हैं। जब बाकी के लोग जब उन्हें कहते हैं माखन चोर है, मेरे घर से चोरी कर लेते हैं, और यही सारी जो चीज़ें हैं ना, जो एक माँ अपने बच्चों को इसी तरह से प्यार करती है, प्रेम करती है, भगवान से प्रेम करना वो तो अलग चीज़ है। और ओखली में जब उन्हें बांधने जाती है तो कैसे उनका रस्सी छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, वो कहती हैं कि किस तरह से तुम कर लेते हो कन्हैया ये सारी चीज़ें जो तुम ओखली में बंध ही नहीं रहे हो। अरे वो तो जगतनाथ हैं, जगत के पिता हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले स्वयंभू हैं, तो वो कैसे बांधते। तो बाद में उन्होंने यशोदा मैया को दिया, कहा लो खुद ही बांध लो, अब बांधो। फिर उन्होंने अपने हाथों से रस्सी को अपने में बांधा था ओखली से। तो वही चीज़ होती है ना यार, जब हम हमारा जब लकी जब ठीक होने लगा, तब हमारा मन अच्छा होने लगा, तब ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं ब्लॉग बनाऊँ, शूट करूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और उसकी जो चीज़ें हैं ना लकी की, जैसे कि क्या हुआ है उसको, क्या मतलब किस चीज़ की प्रॉब्लम है, वो हम आप लोगों को पूरा डिटेल में आगे बताएंगे।
और बहुत सारे लाइफ में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, जो कि उन सारी चीज़ों को फेस करते रहना चाहिए। बस एक ही चीज़ है कि ईश्वर है हमारे साथ, उसका हाथ हमारे साथ। किसी के बोलने से कभी कुछ नहीं होने वाला इस संसार में। वो ईश्वर है, वो ईश्वर की जो शक्तियाँ हैं वो हमें मिलती हैं, और वो ईश्वर के रूप में ही हमारा जो बच्चा है आज उसकी वजह से हमने बहुत कुछ देखा जो हम भगवान के इतने नज़दीक आए, समीप आए। जब हमें भगवान को जानने का बहुत ही गहराई से हमें वो तत्व जानने का मौका मिला, सिर्फ और सिर्फ हमारे लकी के वजह से दोस्तों। तो मेरे लकी के नाम पे ज़रूर आप लोग यहाँ पे हैशटैग लकी ज़रूर लिखिएगा। सो अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के साथ में इतने दिनों के बाद ब्लॉग बनाना। बहुत सारी छोटी छोटी टुकड़ों में मेरे वीडियोस पहले की ली हुई हैं, सो हो नहीं पाई, लेकिन आज आज से मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर भी करूंगी। तो चलिए फटाफट से मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ। मेरे घर का बॉस है मेरा वैक्यूम क्लीनर। सीरियसली, मेरे घर में मेड नहीं आती है फ्रेंड्स, और मैं अपने वैक्यूम क्लीनर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरा जो घर का साफ़ सफाई, ये 2 BHK घर है, होम है दोस्तों, जो कि बहुत ही टाइम लग जाता है इसे क्लीनिंग करने में, बट मेरा जो वैक्यूम क्लीनर है बहुत ही कमाल का है, जिसकी वजह से मैं अपने घर को बहुत ही आसानी से क्लीन कर लेती हूँ, और ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर देता है। तो वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ मैं, और अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग यहाँ जा कर के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। डेमो एंड ऑल आप सभी सब कुछ ले सकते हो। और मेल जब नहीं आती तो सिर दर्द हो जाता है कि हम क्या करें, और हमारा सारा काम रुक जाता है। तो मैंने तो अब मेड को बोल दिया है चाचा बाय बाय, और ये मेरा वैक्यूम क्लीनर काम करेगा। तो आप लोग तो देखिए, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है मेरे लिए कि सारे के सारे जो घर के साफ़ सफ़ाई होती है उसे करना। और ये मैजिक मैजिक मॉप बहुत ही अमेजिंग है वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि आप इसे डीप क्लीनिंग भी कर सकते हो। अगर दिवाली का टाइम है या नवरात्रि है, या फिर आपको घर में फेस्टिवल सीज़न के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, टेंशन हो जाता है कि हम किस तरह से अपने फ़ैन को क्लीन करें, और डीप क्लीनिंग करना बहुत हालत हो जाती है। मेरा तो खुद इतना कमर दर्द होता था कि मैं तब 2-2 बजे तक मैं डीप क्लीनिंग करती थी, काम होता नहीं था, और फिर उसके बाद आप 2 दिन तो आपको आराम ही करना पड़ता था। मीन्स इतना बैक पेन होता है कि मीन्स एक दिन अगर पूरा अगर आप लेते हो डीप क्लीनिंग के लिए, तो 2 दिन तो आपको सोना ही पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है। तो मैं ना एक्चुअली अपने सारा काम इसी से कर लेती हूँ, और हमारा घर हमेशा साफ़ रहता है, डीप क्लीनिंग हो जाती है मेरी डेली की। देखिए हमारा सारा काम हो चुका है, इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो प्लेस कर दी हैं, और मेरे भगवान जगन्नाथ जी कितने क्यूट लग रहे हैं ना, मन करता है उनको यहीं पे प्लेस करूँ। और उनको यहाँ पे प्लेस करने के लिए मैंने कुछ मंगवाई है, तो हम पीयू के साथ में ये ड्राइंग करने वाले हैं। एक्रेलिक कलर है यहाँ पर, और आप यहाँ पर एक कैनवास बोर्ड भी देख रहे हो। तो ये कैनवास के ऊपर हम करने वाले हैं जगन्नाथ भगवान के बनाने वाले हैं। तो आप लोगों को हम बताएंगे आगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बड़ी काम की चीज़ है यार पतंजलि रोल ऑन। सो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट टाइम। अभी थोड़ा सा काम जो करूँगी, क्लीनिंग वगैरह करना है बाथरूम, और ये सॉरी बाथरूम नहीं करूँगी आज, क्योंकि आज मंडे है। मैं सिर्फ 3 दिन करती हूँ, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे के दिन बाथरूम क्लीनिंग करती हूँ, और अभी के लिए तो वेसल्स क्लीन करना है। तो आप लोगों से आगे मिलती हूँ। मॉर्निंग में मैं जैसे स्नान करती हूँ उसके बाद अपने फेस पे क्रीम लगाती हूँ, डे क्रीम, उसके बाद रेडी होती हूँ। मैं रोज़ अपने विष्णु भगवान के जो चरण पादुका चंदन होता है उसे मैं लगाती हूँ, और फिर उसके बाद पूजा एंड ऑल हर चीज़ अच्छी तरह से करती हूँ। भगवान जी के यहाँ पे मैं बर्तन को क्लीन कर रही थी। भगवान जी के बर्तन को क्लीन करने के लिए हमने अलग से सब कुछ रखा हुआ है, और यहाँ पे मेरा पूजा पाठ चल रहा है। और जैसे ही मेरी पूजा हो जाती है तो फिर मैं माला वगैरह करती हूँ और हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ, तो बहुत ही अच्छा घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आता है। तो मैं यहाँ पर माला कर रही थी। हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। सो दोस्तों आज का मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और अभी मेरा जप करने का समय है तो मैं यहाँ पर जप करूँगी। तो ये माला होती है दोस्तों, आप सब लोगों को अगर पता होगा तो ये माला पे हम 108 बार हरि नाम करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, और इसी तरह से ये 16 माला हमें करनी होती है। और जो बाकी के 4 माला आप यहाँ पे देख रहे हो वो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, बट 16 माला करना बहुत ज़रूरी होता है हरि नाम लेना।
तो मेरा जो होता है कभी कभी 12, कभी 10, कभी 6, कभी 8, ऐसे में माला कर पाती हूँ। तो मैं ट्राई पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा जो समय है वो समय में मैं निकाल करके अपना जो जप है वो पूरा कर लूँ। बट 16 माला तो डेली होना ही चाहिए। वैसे जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो मैंने नोटिस किया है वो मेरा माला कंप्लीट हो जाता है, जब घर में बाकी की चीज़ें काम वगैरह रहता है तो ये हो नहीं पाती है। तो लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। और हमने मैंने ये जो कंठी ली है इससे हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। जो लोग कंठी पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो मैं किस तरह से वैरायटी ऑफ अपने किचन में बनाती हूँ डिशेस वगैरह, वो भी मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी। बिना लहसुन प्याज के खाना कैसे हम बना सकते हैं, जैन फूड की तरह ही आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। सो चलिए आज की मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी ब्लॉग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। और मिलती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। अच्छी तरह से अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सभी, ठीक है? बाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और आई होप आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आज मैंने आप लोगों को अपनी रूटीन बताई है मॉर्निंग की, क्लीनिंग एंड ऑल बाकी की चीज़ें, और मैंने करवा चौथ में क्या शॉपिंग की है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में आगे भी बताते रहूँगी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और ब्लॉग पसंद आने पर छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे ब्लॉग चैनल को। और मैं अपने ब्लॉग चैनल पर बहुत सारी चीज़ें वैसे तो आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। सो स्टे ट्यून, ब्लॉग को एन्जॉय करें। हरे कृष्णा।